संजीव कुमार जी और शशि कपूर जैसे दिग्गज कलाकार अभिनेता थे। नंदिता पाठक जी का सम्मान करते हुए हर्षित अनुभव करता है। पानी का टैंकर पहुंचाकर लोक कल्याण का उद्देश्य को परिभाषित किया। नीलेश अवस्थी जी रंजन गोपो के उपकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका दी थी। श्री नरेश सोनी जी बादशाह चोरी चोरी चुपके चुपके प्यारे मोहन वेलकम जैसी लगभग अरे बांगड़ू हाँ बांगड़ू हाँ भोले क्यों मेरी जान ले रहे हो? अरे जान नहीं ले रहा हूँ भोले, सिर्फ आवाज लेना चाहता हूँ भोले। तो कहाँ चले है? ये ऊपर ऊपर यहाँ मतलब ऊपर मतलब ये चार पांच आदमी आ जाओ चढ़ जाएंगे। आइए आइए एक बार जोरदार तालियां फॉर वीआईपी बाहर। आई गाना तो नहीं गवाओगे ना? नहीं नहीं गाना नहीं। नहीं क्या है कि मैं ओ मात कल्याण। थैंक यू। अब आपके सामने आज खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। इतना शानदार ये सातवां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, मैं इसके लिए बहुत बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि आज इस बड़े मंच पे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म इंडस्ट्री के सभी सितारे विराजमान हैं। सभी को मेरा प्रणाम वंदन नमन है। मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत आभार और साथ ही स्पेशल थैंक्स टू राजा जी। राजा सर एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां फॉर राजा। आज तो एकदम छिला वंटा लग रही है। ये तुलनाएं हैं जो अक्सर कहती है जा क्या साले राजा मत खेले भैया के खेत में। खैर मेरे दोस्तों आपने जो सराहा है इस धारावाहिक को, जो प्यार जो मोहब्बत दी है इसके हर चरित्र को, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और यही चाहूंगा कि हर मर्द के जीवन में संस्कार के साथ साथ कुछ ना कुछ संस्कार पलते रहे। शुक्रिया। वो जो सज्जन पीछे बैठे हैं वो पता नहीं पीछे बार बार मुड़कर किसे देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। भाभी की जरा इन्हें संभाल के रखिएगा नहीं तो किसी और को पकड़ देंगे। क्योंकि ये धारावाहिक जो है उसका एक मकसद है सही पकड़े हैं भैया। भाभी जी का लग रही है आप आज तो एकदम छिला वंडा लग रही है। ये तुलनाएं हैं जो अक्सर कहती है जा क्या साले रायता मत खेले दे भैया के खेत में। खैर मेरे दोस्तों आपने जो सराहा है इस धारावाहिक को, जो प्यार जो मोहब्बत दी है इसके हर चरित्र को, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और यही चाहूंगा कि हर मर्द के जीवन में संस्कार के साथ साथ कुछ ना कुछ संस्कार पलते रहे। हेलो श्री नमस्कार आदाब खुशामदीद मैं हूं।
पहली बात तो खाजीराव फेस्टिवल मेरे लिए एक ऐसा सुनहरा मौका, ऐसा सुनहरा अवसर बन गया मेरी ज़िंदगी का, एक ऐसा पार्ट है कि जिसे सोचकर भी मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। सो खाजीराव फॉर मी इज खाजीराव, यू कैन से कि इतना टैलेंट यहाँ की धरती पे, हर कॉर्नर पे इतना टैलेंट है कि कल और परसों, मुझे दो दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, और मैंने इतना टैलेंट देखा है। छोटे छोटे बच्चे ऐसा परफॉर्म करते हैं, चाहे वो डांस स्किल है उनके, चाहे वो एक्ट स्किल है, कुछ भी है, पर दे हैव डन लाइक अनबिलीवेबल। तो बहुत खुशी होती है जब खाजीराव का इतना टैलेंट, जैसे राजा सर जिस मुहिम को चला रहे हैं ना अभी के सिनेमा हो, हर चीज़ हो, तो मुझे लगता है किसी को बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हर आर्टिस्ट अपनी जितनी ख्वाहिशें हैं, जितना सब कुछ है, वो राजा बुंदेल सर की इस मुहिम के कारण अपनी सारी ड्रीम्स फुलफिल कर सकता है। और खाजीराव तो इतना खूबसूरत है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, और सबसे मेन बात मुझे पता चला था कि 7 सालों में कभी ऐसा नहीं हो कि खाजीराव में कोई भी आर्टिस्ट रिपीट हुआ, बट मेरी खुशकिस्मती कि मुझे खाजीराव और ये बुंदेलखंड जो ये जगह है, यहाँ के लोगों ने लास्ट टाइम पे इतना प्यार दिया था, इतना प्यार दिया कि वो शायद उनका प्यार मुझे दोबारा खींच लाया। सॉन्ग मेरे पहले जो आए थे 2016 में पहला मेरा ऑफिशियल ट्रैक आया था हीरो, और उसके बाद 17 में होके मैड नेशनल, 18 में बिग कप, फिर उसके बाद चोरी चोरी, गैस, लखते करूँ, एंड देर इज़ मेनी मोर, लाइक बहुत सारे अभी अपकमिंग ट्रैक बहुत सारे हैं, और कुछ मूवीज़ मैंने की हैं वो भी अभी दिसंबर में फ्री हो रिलीज़ हो जाएंगी। तो लाइक जितने भी अपडेट्स रहेंगे जो मेरे साथ खाजीराव के लोग जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टा पेज हर जगह फॉलो करो, बिकॉज उनको मेरे सारे अपडेट मिलते रहेंगे। सबको मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार है, मेरा नाम संजना नायडू है। पहली बार मैंने फिल्म फेस्टिवल को आई हूँ, खाजीराव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को। फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताना है तो इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ का प्लेस है, एंड बहुत बड़ी बात है, लाइक नया लोगों को भी उन लोग लॉन्च कर रहे हैं, एंड उन लोगों को नॉमिनेट भी कर रहे हैं, दैट इज़ सो स्वीट ऑफ दैम, ये बहुत बड़ी बात है। प्राउड टू बी इन दिस पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। सो ये शो को मैं सिर्फ ब्लेसिंग करना सकती हूँ, एंड बहुत आगे बढ़ने दीजिए, एंड थैंक यू सो मच। प्रोग्राम आके बहुत कल्चरल एक्टिविटीज़ देखे, एंड हाउ डू यू फील, दैट्स व्हाट ही इज़ आस्किंग। कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छा था, एंड उसके साथ बहुत एक्सपीरियंस भी हुआ यहाँ पे आके, नया नया लोगों को मिलके, नया इंडस्ट्री लोगों को देख के, एंड इट्स अ वेरी गुड फीडबैक ऑल्सो, बहुत अच्छा भी लगा।